नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है MP का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़े अपडेट के साथ। मोहन कैबिनेट की बैठक जो थी कैबिनेट की, वो खत्म हुई है। कई अहम फैसले जनता से जुड़े लिए गए हैं। बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बैठक शुरू हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। कैबिनेट की फैसलों की जानकारी दी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। कहा कि उज्जैन में मार्च में लगने वाले व्यापार मेले से खरीदे गए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में 50% छूट लेने का फैसला लिया गया है। मेले में उसको और आकर्षित करने के लिए ऑटोमोबाइल्स पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अभी प्रथम चरण में इंदौर उज्जैन जो रोड है, अभी 4 लेन है, उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया है। और ऐसे ही उज्जैन और इंदौर के बीच में एक हाथों से पैरेलल रोड बने, उसकी भी तैयारी चल रही है। उसकी लागत लगभग 1700 करोड़ के आसपास होगी और यह पूरा PPP मॉडल किया जाएगा। एक और सवाल जो मध्य प्रदेश की सियासत की गलियारों में घूम रहा है कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस विषय पर सज्जन सिंह वर्मा ने दिल्ली में कमलनाथ से बैठक के बाद एक बयान दिया और कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने की जो अटकलें चल रही है, इसे उन्होंने नकार दिया। काफी करीबी माने जाते हैं सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के। उन्होंने दावा किया है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, दोनों कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, जबकि नकुलनाथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। का ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं, जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। कांग्रेस जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ। हल हो जाए अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं, बिल्कुल असंभव। अच्छा, असंभव शब्द है। नाराजी अराजी सब दूर हो गई, सब बात चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल जी से सबसे बात हो रही है और बिल्कुल उसकी तैयारी में न्याय यात्रा के बाद कैसे दौरा करेंगे, कैसे 29 लोकसभा में जाके प्रचार करेंगे। नकुलनाथ रहेंगे BJP में जाएंगे? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। इधर कमलनाथ के दलबदल पर हो रही पॉलिटिक्स पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी एक बड़ा बयान दिया। कहा कि आलाकमान कांग्रेस की विधायकों की एकजुटता से खुश है, क्योंकि ऐसे मौके पर कांग्रेस विधायकों का एक रहना ही पार्टी की मनोवैज्ञानिक जीत है। आलाकमान ने विधायकों पर अपना भरोसा फिर से जताया है। विधायक कांग्रेस आरिफ मसूद ने एक बड़ा बयान दिया इसी बीच। कहा कि जो डरेगा वो जाएगा, क्योंकि आज़ादी से लेकर अब तक कांग्रेस का जो झंडा थामे है जिन लोगों ने, वो डरपोक नहीं थे। जिसे भी जाना होगा वो जाएगा, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। आजादी की लड़ाई से कांग्रेस का झंडा थामे लोग कहां भागेंगे, कहां डरेंगे? जो डरेगा वो चला जाएगा, जो झंडा थामे रहेगा वो लड़ेगा। अंग्रेजों से भी जीते थे, इनसे भी जीतेंगे। ये चारों तरफ BJP की केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है और कोई कहीं जाने वाला नहीं। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर मुलाकात की है। मुलाकात के बाद CM मोहन यादव ने बताया कि वृक्षारोपण का कल एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसे लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात हुई है। वहीं CM ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का काम
सभी लोग कर रहे हैं। दिल्ली में हुए राष्ट्रीय महाधिवेशन को लेकर सीएम ने कहा कि मोदी जी का विजन बड़ा अद्भुत है, बीजेपी उनके विकास के काम को आगे बढ़ा रही है। एक बार फिर से उन्होंने 2024 में केंद्र में मोदी सरकार बनाने का दावा किया है। सब मिलकर के पर्यावरण को लेकर माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है उसको सार्थक करने के लिए आगे बढ़े। दिल्ली अधिवेशन में तो माननीय मोदी जी का जो विजन है वो अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे अच्छे विकासात्मक कामों के साथ के माध्यम से निश्चित रूप से फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। इधर मध्य प्रदेश में एक वीडियो को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। कथित वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सोशल मीडिया वॉर पलटवार शुरू हो चुका है। दरअसल जीतू पटवारी ने अपने एक्स पर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो शेयर किया। वीडियो को लेकर पीसीसी चीफ ने प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। मामले की जाँच में पिटाई का वीडियो जबलपुर का नहीं पाया गया इस बात की पुष्टि एसपी ने की है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस की साइबर सेल ने भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में अब जांच शुरू कर दी है। वीडियो वायरल करने वालों पर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो जीतू पटवारी ने जिस तरह से एक वीडियो पोस्ट किया, लेकिन जब पता चला कि वो जबलपुर का वीडियो है नहीं, जिसके बाद अब हो सकता है कि जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आरोप लगाया है कि शासन और प्रशासन की छवि धूमिल करने के लिए जीतू पटवारी ने इस तरह की भ्रामक वीडियो को पोस्ट किया है। मध्य प्रदेश का इस वीडियो को बताया है। इधर लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। प्रदेश के 32 से ज्यादा राज्य कर्मचारी के संगठन संयुक्त रूप से सरकार को घेरने का काम करेंगे। इधर केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने भी आंदोलन पर सहमति जताई है। संगठनों ने मांग नहीं पूरी होने पर चेतावनी भी जारी की है। कर्मचारियों की राज्य सरकार से केंद्र के समान महंगाई भत्ता, ये प्रमुख मांग है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, नियमितीकरण, पदोन्नति समेत कई ऐसी मांगे हैं इसको लेकर कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारियों की मांगों पर सियासी पारा बढ़ता दिख रहा है। आंदोलनों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। चार संहिता के पहले कर्मचारी राज्य सरकार के समक्ष अपनी आवाज मजबूती से बुलंद करेंगे और अभी एक नोटिस ज्ञापन मुख्यमंत्री को और सीएस को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच सौंप रहा है कि तत्काल मांगों पर एक सरकार संवाद करे, वार्ता करे और मांगों को मंजूर करे। आज कर्मचारियों को धता बता करके आप उनके साथ ठगी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के दौरे पर रहते हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का या जनता का उनको कोई ध्यान नहीं है। मैं वादा करता हूं कि कर्मचारियों के साथ कांग्रेस आज भी खड़ी हुई है। शोषण किया और जब सरकार में रहे सिर्फ दलाली का हड्डा बना के तबाला उद्योग चलाया। आज वो कर्मचारियों की बात करें तो ये शोभा नहीं देता। देखिए कर्मचारियों से हिस्से हुए जुड़े हुए निर्णय सरकार जल्द लेगी। कर्मचारियों को मांगों को मानकर सरकार उनके हित में निर्णय लेगी। कांग्रेस नेताओं के खाते फ्रीज होने के मामले में अब विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में आयकर भवन के बाहर धरना दिया। प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, दिग्गज नेता शामिल हुए। कहा कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के जरिए कांग्रेस को दबाने और डराने की कोशिश कर रही है। कई सरकारें आई और चली गई, कभी किसी राजनीतिक पार्टी का कोई अकाउंट कभी फ्रीज नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी का अकाउंट ही फ्रीज नहीं किया गया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के 100 लोगों को नोटिस दिया गया है दिल्ली में पेश होने के लिए। तो कुल मिला के ये एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार ने। लोकतंत्र की बर्बादी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग
केंद्र सरकार कर रही है उसके हम सब लोग निंदा करते हैं और इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं। और ये पहली बार देश में हो रहा है कि सरकारी एजेंसियों का इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर कई दिनों से डटे किसानों के आंदोलन को मध्य प्रदेश के किसान अब बल देने जा रहे हैं। आगामी 24 फरवरी को प्रदेश के करीब 2,00,000 किसान आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। किसानों की एमएसपी की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन की आंच अब एमपी में भी देखने को मिल सकती है। किसान संगठनों ने इसके रूपरेखा बनाकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। किसानों के आंदोलन को लेकर क्या है आखिर इन संगठनों की रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। बीते कई दिनों से किसान अपनी 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें 2 मांगे प्रमुख हैं। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करना। वही दूसरी मांग देश के सभी किसानों की कर्ज माफी की है। वही भू अधिग्रहण कानून के अलावा किसानों पर लगे मुकदमों को वापस लेने की भी मांग किसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी 2,00,000 किसानों ने इस आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर ली है। किसान संगठनों का कहना है कि अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे किसानों ने इस बात का समर्थन किया है कि मांग पूरी नहीं होने पर देश के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन होगा। 2 प्रमुख मांगे हमारी थी, C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से किसानों की फसल को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए, और दूसरा पूरे देश के किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। तो सरकार कमेटियों में उलझी हुई है कि हम कमेटी बनाएंगे, और हमारा मन ये है कि कमेटियों से 50 वर्षों में आज तक कोई परिणाम नहीं आया। कमेटी का मतलब किसी चीज को लटकाना है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों के ऊपर अत्याचार हो गया, उसी को लेकर के आज मध्य प्रदेश में भी किसानों में बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश व्याप्त हो रहा है, और लाखों की संख्या में माननीय राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया कि 21 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करने का अंदेशा है, और यही मध्य प्रदेश से जगह जगह से फोन आ रहे हैं और किसान लोग तैयार हैं। ये आंदोलन मुझे लग रहा है कि लंबा चलेगा, जैसे पहले 14 महीना चला, हो सकता है कि इससे ज़्यादा चले। वहीं किसानों के आंदोलन को भारतीय किसान संघ ने राजनीति से प्रेरित बताया है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री चंद्रकांत गौर का कहना है कि हम इस तरह के हिंसक आंदोलन के समर्थन में नहीं हैं। जब देश में सभी उत्पादों को लेकर MRP तय है, तो किसानों, खेती और उपज के लिए MSP क्यों? हमने मध्य प्रदेश में गेहूं और धान के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को चुनावी वादा याद दिलाने की रणनीति तैयार की है। इसको लेकर हम मार्च के पहले सप्ताह में आंदोलन करेंगे। अगर सरकार तब तक कोई आश्वासन या कार्रवाई नहीं करती तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भारतीय किसान संघ ने प्रारंभ से ही इस आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि से लेके और इस आंदोलन के समापन में पिछली बार जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, और इस प्रकार के हिंसक आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते हैं। मार्च के प्रथम सप्ताह में कोई भी तारीख तय करके और हम पूरे प्रदेश भर के अंदर आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन पर सभी संगठन अपनी अपनी रणनीति के तहत काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं इस आंदोलन के लंबे चलने की भी पूरी पूरी संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले शुरू हुआ ये आंदोलन चुनाव पर क्या असर डालेगा। दुष्यंत परासर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटता हूं। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।